अच्छा मॉम, मैं अब जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन शेक तो पी के जा। मॉम लेट हो रहा है और स्नेहा नीचे वेट कर रही है, और जो शेक है ना वो आप ही पी लेना, आपको ज्यादा जरूरत है। चल पागल। अच्छा मॉम बाय, टेक केयर बेटा। कहाँ मर गई थी तू, टाइम देख रही है? सॉरी बाबा, यार वो ब्रेकफास्ट करने में टाइम लग गया। हाँ तो ठीक है ना, डीटीसी की बस छूटेगी ना, तो फीडर के पैसे तू ही दियो, क्योंकि पास तो चलता नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, मैं टिकट ले लूंगी। यार ये जो लड़का यहाँ खड़ा है ना, इसे 7-8 दिन से नोटिस कर रही हूँ। रोज यहाँ खड़ा रहता है और मुझे घूरता रहता है। ये तो विजय है, जानती हूँ मैं इस लड़के को, इसकी सिस्टर हमारे साथ डांस सीखती है। ये वहीं उसको छोड़ने या लेने आता है बस। बड़ा ही केयरिंग भाई है, और ये तो डांस क्लास में भी किसी की तरफ नहीं देखता, बस आता है और अपनी बहन को लेकर या छोड़कर चला जाता है। तुम मुझे क्यों घूरता रहता है? वही तो मैं सोच रही हूँ मेरी जान, ये तुझे क्यों घूरता रहता है? मुझे तो लगता है भाई साहब को तुझसे प्यार हो गया है। शट अप यार। यार मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, तू खुद ही सोच, कोई लड़का खाम खा किसी लड़की को क्यों घूरेगा, वो भी इतना शरीफ सा। तू मान या ना मान, ये पक्का तुझे लाइक करता है। तू बोल तो बात करूं। तू पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना मैं इन सब चक्करों से कितनी दूर हूँ, अगर मुझे प्यार है तो बस मेरी किताबों से। वैसे दिखने में भी बुरा नहीं है, तेरे साथ इसकी जोड़ी मस्त जमेगी। एक काम करना, तू जाकर अपने लिए ही बात कर ले, बढ़िया ही जोड़ी वाली। यार आज तो लग रहा है पहला पीरियड मिस ही हो जाएगा। सब तेरी वजह से हुआ है, ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं होता तुझसे। अच्छा चल अब गुस्सा मत हो, वो देख बस आ गई है और इसमें पास भी चलता है। चल चल जल्दी कर। चल मैं शाम को डांस क्लास के बाद घर आती हूँ। ओके बाय। रिया, रिया एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या बात करनी है? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक्चुअली रिया, आई रियली लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। जब से तुम्हें देखा है बस
तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। प्लीज बी माई लवर। देखो ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुमसे कोई प्यार व्यार करती हूँ। अब मेरा रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज रिया, आई रियली लव यू। अगर सुनाई नहीं देता ना तो ये चांटा तुम्हें ठीक से सुनने में हेल्प करेगा। आई डोंट लव यू। और आइंदा मेरा रास्ता इसे रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ गेट लॉस्ट। Don't love you. भैया मैं डांस क्लास जा रही हूँ, आप आ जाना। भैया। हाँ। आई सेड मैं डांस क्लास जा रही हूँ, मुझे लेने आ जाना। ठीक है तू जा, मैं आ जाऊँगा। जी मॉम। बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, डोर बंद कर लेना। ओके मॉम। हाँ स्नेहा। हाँ रिया बोल। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तू मेरे घर आ सकती है क्या? अभी? हाँ अभी। अभी तो मैं डांस क्लास जा रही हूँ। हुआ क्या? तू इतनी टेंशन में क्यों है? यार आज उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। किसने? विजय ने? हाँ। What? रुक मैं आती हूँ तेरे घर। क्या हुआ? ठीक तो है ना? इतनी टेंशन में क्यों है तू? यार स्नेहा जब तू मुझे छोड़कर गई थी वहां पर तो फिर वो लड़का आ गया और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया तो मैंने भी चांटा मार दिया। तूने आंटी को बताया? एक काम कर, अभी किसी को मत बताना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आंटी अंकित भैया को बताएंगी और फिर वही लड़ाई झगड़े और सोसाइटी में 10 बातें भी शुरू हो जाएंगी। तू ना टेंशन मत ले, मैं उसकी बहन से बात करती हूँ, ठीक है? यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरे साथ कुछ। रिया तू पागल है क्या? कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं होगा तुझे, तू टेंशन मत ले। और उसमें ज़रा सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद वो तेरा पीछा कभी नहीं करेगा, ठीक है? चल मैं निकलती हूँ, मुझे डांस क्लास भी जाना है और मैं वहीं उसकी बहन से बात भी कर लूँगी। तू टेंशन मत ले, हाँ बी काम, नहीं तो आंटी को पता चलेगा तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है चल।
रिया यार कितने बेशरम हो तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लिसन रिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि I don't love you. बस एक बार मेरी बात तो सुन लो. भैया कौन है ये? वो भैया ये लिसन ब्रो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें. एक्चुअली साले आज के बाद तूने इसका रास्ता रोका ना तो सारी जिंदगी तेरी फैमिली वाले तेरे टुकड़े गिनते रह जाएंगे, समझो? तू चल. मैं तो बस सॉरी बोलने आया था. अगर दोबारा वो तेरा रास्ता रोके तो लीव इट भैया. क्या लीव इट? ऐसा कोई भी तेरा रास्ता रोकेगा और मैं चुप रहूं? प्लीज, मारा तो आपने उसे और मुझे नहीं लगता इतनी मार खाने के बाद वो दोबारा कभी मेरे सामने आने की हिम्मत भी करेगा. अच्छा चल, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तू जा और ध्यान से जाना. ठीक है भैया, बाय.
सुन रिया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये क्या करने जा रहे हो तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम बीच में मत आओ स्नेहा, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना। वरना? वरना क्या? बोलो विजय वरना क्या? वरना मैं ऐसे तुम्हारे फेस पे डाल दूंगा। विजय तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। क्या कसूर था मेरा? यही कि उसे प्यार किया, अपने प्यार का इजहार किया और उसने मुझे सरेआम थप्पड़ मारा और आज उसके भाई ने बहुत बहुत गुरूर है ना उसे अपनी खूबसूरती पर, लेकिन आज मैं उसका सारा गुरूर तोड़ दूंगा। विजय विजय मेरी बात सुनो, तुम जो भी सोच रहे हो ना गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ और दिखा दो अपनी हैवानियत और बर्बाद कर दो एक मासूम की जिंदगी। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, भगवान ना करे अगर ऐसा ही कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो जाए तो। क्या हुआ, रूह कांप गई अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचकर भी? और तुम जिसके साथ ये सब करने जा रहे हो वो भी तो किसी की बहन है, ये नहीं सोचा तुमने? घिन आती है तुम्हारे इस प्यार पर। तुम उसी की जिंदगी बर्बाद करने चले हो जिससे तुम प्यार करते हो। सोचो इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे इस जुनून से एक मासूम जिंदगी भर अपने आप से सवाल करती रहेगी कि आखिर उसका कसूर क्या था। मासूम नहीं हो, उसका कसूर यह है कि उसने मुझे सरेआम बेइज्जत किया। अरे जाओ, बड़े आए इज्जत वाले, यू किसी के चेहरे पर तेजाब डालने से तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी ना, बहादुरी का मेडल मिल जाएगा तुम्हें, है ना? मिस्टर विजय, जिस तरह से तुम्हें उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने का हक था उसी तरह उसे भी इनकार करने का हक है। मान लो कल को उसे लगा कि उसे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो क्या तुम अपना लोगे उसे? बताओ विजय, अपना लोगे उसे उस चेहरे के साथ जिसे तुमने अपने हाथों से जलाया होगा? तुम्हारा क्या है, तुम तो 5-10 साल जेल में रहकर वापस आ जाओगे और नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाओगे, पर उसका क्या? उसकी जिंदगी का तो एक एक सेकेंड मौत से बदतर होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विजय, प्लीज ऐसा मत करो। क्यों तुम अपने हाथों से अपने प्यार की जिंदगी, उसके सपने, उसकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हो? विजय ये बस एक वक्ती जुनून है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, मगर उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। तुम उससे प्यार करते हो विजय, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैं बहुत बड़ा गुनाह करने चला था, मैं भूल गया था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, रिया को भी इनकार करने का हक है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की। कोई बात नहीं, मुझे अपने साथ हुए किसी भी बात की कोई नाराजगी नहीं है,
बल्कि मुझे खुशी है कि आज मेरे सही वक्त पर आ जाने से दो जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। काश काश कि कोई उस वक्त भी आ जाता जब दूसरी लड़कियों के चेहरों पर तेजाब फेंका गया था। जिस्म पर लगे जख्मों पर तो मरहम लग सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मरहम नहीं जो उनकी जिंदगियों, उनकी खुशियों और उनके सपनों पर लगे जख्मों को भर सके। एक पल में जिंदगी किस तरह बदल जाती है ये सिर्फ वही समझ सकती है जिन पर ये बीतती है। काश काश के लोगों में इतनी हिम्मत पैदा हो जाए कि वो आगे बढ़कर ऐसे हादसों को होने से रोक सके। दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, मगर जरिया बनकर किसी को बचाएं तो कोई बात बने। ना बहुत ज्यादा वाइल्ड था। नहीं नहीं स्माइल आ गया। मासूम नहीं है वो।